नमस्कार साथियों, आज हम बात करें भाई कुवैत के बारे में। जी हाँ भाई, कुवैत में भी जिन होने लगे हैं। कुवैत में आपने देखा होगा, पाकिस्तान में, इंडिया में, या फिर यहाँ अपने जिन के बारे में, भूत प्रेत के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम कुवैत के बारे में बात करेंगे कि वहाँ भी जिन लोगों के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और ये कब्जे को छुड़ाने के लिए, इंडिया में तो ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी पे कब्जा होता है, उनको छुड़ाना होता है। उस जिन से शरीर के ऊपर कब्जा छुड़ाने के लिए 37 लाख रुपए खर्च कर दिए कुवैत की महिला ने। अब ये टोपी किसने पहनाई, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जी हाँ, अब ये कौन हो सकते हैं, डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या कि कुवैत की एक महिला थी, उम्र थी उनकी 37 साल, वो अपने घर में थी। कुछ उनको प्रॉब्लम थी बॉडी में, कुछ भी हो सकता है भाई, मेडिकली प्रॉब्लम भी हो सकती है, काफी टाइम से थी। तो उनके पास दो महिलाएं आई। अब यार, गल्फ देशों की एक बड़ी कमजोरी मान सकते हैं या फिर उनकी अच्छाई मान सकते हैं कि वो जो उनके देशों में रह के गलत काम करते हैं, वो उनकी नेशनलिटी नहीं बताते कि भाई कौन से देश का है, उनका नाम क्या है। ये बहुत कम चांस में होता, नहीं होता है। दो महिलाएं, उनकी कैसे जान पहचान हुई पता नहीं, कैसे चला, उन्होंने उनको एक माइंड में बात सेट कर दी कि तेरे ऊपर जिन ने कब्जा कर रखा है, अब ये कब्जा छुड़ाने के लिए तुझे तांत्रिक प्रक्रिया करवानी पड़ेगी और इसका खर्चा लगेगा। जी हाँ, तो ये अंधविश्वास पाकिस्तान इंडिया में हो सकता है, लेकिन भाई गल्फ जैसे देशों में बहुत कम सुनने को ऐसा मिलता है। इंडिया में तो हालांकि भूत प्रेत पे मूवी भी बहुत सारी बनी है, ऐसा मानते भी हैं लोग, आज भी अंधविश्वास है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग सच्चाई भी मानते हैं, बाकी अंधविश्वास ही मानेंगे इसको। लेकिन कुवैत जैसे देश में ये घटना को अंजाम दे दिया दो महिलाओं ने। जी हाँ, उस महिला को बहकावे में लेके बोल दिया भाई तेरे ऊपर जिन है, उसको छुड़ाने के लिए तांत्रिक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इसका खर्चा आएगा 30,000 कुवैत, जी हाँ दिनार। अब 30,000 का कितना पैसा बनता है भाई, 72 लाख रुपये। जी हाँ, 72 लाख रुपये, सोचने की बात है यार, 72 लाख रुपए दो महिलाएं उनसे ले चुकी हैं। 4,000 रियाल केस लिए, बाकी बता दूं 25,000 दिनार उनके अकाउंट में डाले गए हैं, उन महिलाओं के अकाउंट में डाले हैं, सबूत बन गया है ना। 72 लाख रुपए लेके भी उनकी शरीर से जिन ने कब्जा नहीं छोड़ा, तो वो फिर पहुंच गई पुलिस के पास कोर्ट की शरण में कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे दो महिलाओं ने इस तरह से बोला कि जिन को कब्जा छुड़ाने के लिए तांत्रिक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इसके लिए 30,000 दिनार का खर्चा आएगा। तो इंडियन करेंसी में अगर जोड़ें तो 72 लाख रुपए बनता है। 72 लाख रुपए दो महिलाएं ने अकाउंट में डाल के लेके फुर हो गई। जी हाँ, पुलिस ने हालांकि दोनों महिलाओं को समन भेजा है पूछताछ के लिए कि आप कोर्ट में, थाने में आइए कि हम पूछताछ करेंगे। और भाई अकाउंट में पैसे डाले हैं, इसको तो सोचने की ये पुलिस की जांच का विषय रहेगा कि मैटर रियल में हुआ क्या। ये तो महिला ने बताया कि जिन के नाम से मेरे से पैसे ले लिए, रियलिटी तो तब पुलिस छानबीन करेगी तब निकलेगा। बाकी देखिए ये महिलाएं कहां की हो सकती हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि ये महिलाएं कहाँ की हो सकती है तो अपने ही देशों की, चाहे पाकिस्तान या फिर, मैं नहीं कहता इंडियन नहीं हो सकती भाई, इंडियन भी हो सकती हैं, लेकिन अब कौन से देश की हैं हो सकता है। क्योंकि ये, इसलिए मैं एग्जांपल कोशिश कर रहा हूँ सोचने की, क्योंकि ये भूत प्रेत जिन ये अपने इंडिया में या पाकिस्तान में चलता है सबसे ज़्यादा, बाकी और देशों में इतना है नहीं अंधविश्वास, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो ऐसे भी हैं, 72 लाख रुपए दे दिए भाई। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।